नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। अनुराग ने सीएम को लिखा पत्र, जाहिर की मन की बात, बोले कानून व्यवस्था से उठता जा रहा है जनता का भरोसा। आयकर विभाग के अधिकारियों से होगी अब लाइव चैटिंग, सुंदरनगर में आयोजित स्थापना दिवस पर विभाग ने जागरूक किए करदाता। कारगिल युद्ध की कहानी, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की जुबानी, कहा जवानों ने कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साथ का दिया था परिचय। और 2 वर्ष बीत गए, नहीं बन सकी शहीद स्मारक की डीपीआर, शहीद स्मारक के चक्कर में कारगिल पार्क भी हो गया बदहाल। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। अनुराग ने मुख्यमंत्री को लिखा कि राज्य के गृह मंत्री होने के नाते भी कानून और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी बनती है, इसलिए राज्य में बढ़ते जुर्म तथा खराब होती कानून व्यवस्था का संज्ञान ले। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ऊना में 4 चोरियां हुई, इसके अतिरिक्त ऊना शहर के वार्ड नंबर 4 में एक लड़की को बंधक बनाकर लूट और चोरी का मामला भी सामने आया है। ऐसा जिला में पहली बार हुआ है कि किसी को बंधक बनाकर चोरी को अंजाम दिया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि जिला ऊना में पिछले 5 वर्षों से कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में पूर्णतः असफल रही है। जिला में नशा माफिया व वन माफिया अपने चरम पर है, ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए युवा चेन स्नैचिंग और बाकी गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। अनुराग ने मुख्यमंत्री को लिखा कि राज्य के गृह मंत्री होने के नाते भी कानून और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी बनती है, इसलिए राज्य में बढ़ते जुर्म तथा खराब होती कानून व्यवस्था का संज्ञान लें और जनता का भरोसा, जो कानून व्यवस्था से उठता जा रहा है उसको दोबारा बहाल करने की दिशा में कड़े कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कांग्रेस ने हमेशा जनता को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया तथा नव भाजपा ने आम जनता को कई सौगातें दी। भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, ये बात अनुसूचित जाति पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने बैजनाथ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति दुष्यंत गौतम ने बैजनाथ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया तथा नव भाजपा ने आम जनता को कई सौगातें दी, जिनमें जनधन योजना, उज्ज्वला गैस वितरित योजना, गरीब आदमी का 12 रुपए में बीमा आदि आम जनता को कई योजनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से गरीब परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को ऊंचाई पर ले जा सकती है, गरीबों का मान सम्मान तथा महिलाओं को बराबरी का हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही जात पात और बांटने की राजनीति की गई है। उन्होंने हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना जताई। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, हिमाचल में भाजपा भारी मतों से अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, बैजनाथ से मुल्क राज प्रेमी हिमाचल विधानसभा में जीत कर पहुंचाएंगे, प्रदेश की जनता का सरकार से विश्वास उठ चुका है। योजना है कि जो दलित वर्ग आज तक बैंक में नहीं जा सकता था, लगता था कि बैंक खाली ब्रीफकेस लेके जाने आने वालों के लिए है, आज दलितों के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं। जो सब्सिडी आज 70 वर्षों के अंदर सरकार अनेकों अनेक माध्यम से सब्सिडी देने का नाटक करती थी, उनको दलाल लोग खाया करते थे, आज डायरेक्ट हमारे खातों में आ रही है। हमने देखा है इसमें जो हमारे अनुजाति वर्ग के बुजुर्ग हैं उनके लिए भविष्य के लिए क्या योजना होनी चाहिए, वो कैसे निश्चिंत रहे, उसके लिए 12 रुपये के अंदर बीमा योजना, 2 लाख की बीमा योजना। ऐसे ही जो हमारे दलित परिवार के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको फ्री गैस कनेक्शन देना। आज लगता है शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी जी ने अनुजाति वर्ग को एक शक्तिशाली बनाने का एक संकल्प लिया है, और जहाँ जहाँ सरकारें अनुजाति वर्ग के हितों का काम नहीं कर रही, चाहे वो झारखंड रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, जम्मू कश्मीर हो, आज सबसे ज़्यादा अनुजाति वर्ग के विधायक और सांसद जीत कर आ रहे हैं। आज 40 विधायक सांसद हमारे लोकसभा में है, 7 राज्यसभा में, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं। आज जहाँ जहाँ सरकारें अनुजाति हित की बात नहीं कर रही,
वहाँ परिवर्तन निश्चित है और उसमें हिमाचल की बारी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग का हित किया है, कांग्रेस की सोची समझी है कि वोट बैंक को समझना अनुजाति वर्ग को और उनके विकास की बात नहीं। इस अवसर पर जिला महामंत्री मूर्खराज प्रेमी, मंडल अध्यक्ष करण जम्बाल, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष टिकम आदि अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मनोज चड्ढा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं और दूरदराज क्षेत्रों में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के चलते मनोज चड्ढा की अध्यक्षता में दूरदराज क्षेत्र बधेला पंचायत में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मनोज चड्ढा के बधेला पंचायत पहुंचने पर वहां पर काफी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं व मनोज चड्ढा ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत जनधन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर चर्चा की गयी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिमाचल में बंद करके रहे। इन सवाल एक कोई आ गया कि डलहौजी क्यों है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा अजीब सा क्षेत्र बन गया है जहां पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हमारा मार्जिन 250, 300, 400, 2000 भी हारे थे 7800, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो माननीय शांता कुमार जी 6 महीने के अंतरकाल में यहाँ से 9800 वोटों की लीड लेते। गलानी की गाल नहीं, तो समझी सकते के लिए नेतृत्व। और मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका साथ सबका विकास। ये कांग्रेस मुक्त का जो नारा मोदी साहब और अमित शाह जी ने दिया है, ये कांग्रेस मुक्त का नारा कांग्रेस ही आप ही छठे करते। कांग्रेस मैं भी होना चाहिए 15 दिन हो मैं भी छठी, पर मैं बड़ा धन्यवाद करता अपने नेतृत्व का, सत्ती जी का, धूमल जी का, शांता जी का। जनधन योजना में आपका अकाउंट अनिवार्य है, जो बननी 12 रुपए साल में आप दोगे और 3 लाख रुपए तक की जो आपको है इंश्योरेंस वो आपकी कवर। ये एक भारतीय जनता पार्टी की देश कभी सोचा ही नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा। स्किल डेवलपमेंट बता दें कि 3 बार लगातार नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष बनने वाले मनोज चड्ढा टिकट के लिए हाईकमान की नजर में नंबर बनाने के लिए कांग्रेस मुक्त डलहौजी करने व केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर खराब मौसम की भी परवाह किए बगैर दुर्गम व संकरे रास्तों से कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव घूम रहे हैं और इन दुर्गम इलाकों के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट फॉर जेई मेन एंड एडवांस, NIT, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी, कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, जोहाटा बाजार, टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। पुलिस
थाना बद्दी के तहत पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 91 पेटी देसी शराब व 2 पेटी बियर बरामद की है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम सुबह करीब 5:30 बजे गश्त के दौरान बद्दी बैरियर पर पहुंची तो पिंजौर की ओर से आ रही एक पिकअप गाड़ी का चालक पुलिस को देखकर पिकअप को बीच रोड में खड़ा कर भाग गया। पुलिस ने भाग रहे चालक को थोड़ी दूरी पर धर दबोचा। पूछताछ पर चालक ने अपना नाम राजकुमार पुत्र रणधीर सिंह निवासी गौचरान पेहवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा बताया। SHO बद्दी ने बताया कि पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से शराब का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें 89 पेटी देसी शराब की है, 2 पेटियां अंग्रेजी शराब की और 2 पेटियां बियर की हैं। जो आदमी था ये इसका नाम है राजकुमार उर्फ राजू, ये कुरुक्षेत्र पिहुआ का रहने वाला है। तो इसका पुलिस रिमांड 3 दिन का मिला है अभी। सर ये कहाँ पे पकड़ा गया है और किस गाड़ी में लेके जा रहे थे? एक टोल बैरियर बद्दी के पास पकड़ा गया, दौराने नाका लगाया हुआ था। तो इसके पास पिकअप गाड़ी थी सफेद रंग की। सर इससे पता चला है कहाँ लेके जा रहा था इस बार? अभी इससे इंटरोगेशन डीपली इंटरोगेशन की जाने की इसने कहाँ से लाया। SHO ने बताया कि जब पुलिस ने गाड़ी का तरपाल हटाकर चेक किया तो गाड़ी के अंदर भिन्न भिन्न किस्म की देसी अंग्रेजी शराब व बियर की पेटियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा जब शराब की पेटियों को चेक किया गया तो गिनने पर कुल 51 पेटी देसी व अंग्रेजी शराब व 2 पेटी बियर पाई गई। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आयकर विभाग के अधिकारियों से अब आप लाइव वीडियो चैटिंग कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह संभव हुआ है हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च की गई आयकर सेतु एप्लीकेशन द्वारा। ये जानकारी आयकर विभाग के स्थापना दिवस पर सुंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में आयकर अधिकारी अवतार सिंह ने दी। गत सोमवार को अरुण जेटली द्वारा लॉन्च इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर विभागीय टोल फ्री नंबर 7306525252 पर मिस्ड कॉल देकर डाउनलोड किया जा सकता है। आयकर अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि पैन नंबर को आधार से लिंक करते ही यह एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे पैन 10 TDS रिटर्न फाइलिंग रिफंड स्टेटस टैक्स पेमेंट संबंधित जानकारी व आयकर से संबंधित कोई भी जानकारी ली जा सकती है। वहीं आयकर से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए करदाता सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नजदीकी आयकर अधिकारी से लाइव वीडियो चैटिंग कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक नई एप्लीकेशन आयकर सेतु लॉन्च की है जिसके सभी करदाताओं को जिससे सभी करदाताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें इसके प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं, जैसे कि आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करना, इसके अलावा जैसे अपने कर का मूल्यांकन करना और कर के जो कर जमा हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना, फिर कोई शिकायत है कर के संबंध में उसके बारे में जानकारी भी इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा किसी की पैन की इंक्वायरी है या रिफंड किसी करदाता को नहीं मिलता वो भी इस एप्लीकेशन के द्वारा ले सकते हैं और आयकर अधिकारियों के साथ लाइव चैटिंग का भी इस ऐप में जिक्र है। हमारे ऑफिस में हमारे कार्यक्रम में ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में राम सेतु आयकर सेतु के बारे में सभी को जो नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर आयकर निरीक्षक किरण कुमार ने आयकर के इतिहास व समय समय पर विभाग द्वारा किए गए सुधारों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं मंडी जिला व्यापार मंडल प्रधान नरेंद्र गोयल, सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान घनश्याम महाजन, महादेव व्यापार मंडल के प्रधान प्रकाश ने व्यापारियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर जिक्र करते हुए विभागीय अधिकारियों से तालमेल बढ़ाने का आग्रह किया ताकि व्यापारी बेखौफ होकर कारोबार कर सके और ईमानदारी से अपना पूरा टैक्स अदा करे। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कुसुम सैनी, अकाउंटेंट मनोहर महाजन, उपमंडल के प्रमुख व्यवसायी नितेश सैनी, अदीप सोनी व अन्य मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सचदेवा कॉलेज मंडी द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000 क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस नीट बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी नर्सिंग एनडीए पेट मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500 स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थकमिंग एग्जाम्स सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18 सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहटा बाजार टाउन मंडी प्ले वे विद क्रैच एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी कारगिल विजय दिवस पर उन वीरों को याद करना जरूरी हो जाता है जिनकी बदौलत आज आप और हम चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं कारगिल युद्ध के दौरान जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता आइए जानते हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की जुबान से कारगिल युद्ध के अदम्य साहस और बलिदान की कुछ कहानियां जुलाई 1999 को जिस कारगिल चोटी पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहराया था उस चोटी को फतह करने में 527 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस युद्ध में 1367 से ज्यादा वीर घायल हुए थे मंडी जिला के तरंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नकवाई गांव निवासी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है क्योंकि इनके नेतृत्व वाले 18 ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल और तोरोलिंग पर विजयी पताका फहराया और उपरांत इसके कारगिल युद्ध की जीत का रास्ता तैयार किया 18 ग्रेनेडियर को ही सबसे ज्यादा 52 वीरता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर आज भी कारगिल युद्ध की यादों को भुला नहीं पाए हैं इस युद्ध के साथ यूं तो कई किस्से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो ब्रिगेडियर साहब के जहन में आज भी ताजा हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घटना जून 1999 की है जब तोलोलिंग पर विजय हासिल करने की लड़ाई चल रही थी और सफलता मिलने की बजाय 25 जवानों की शहादत हो चुकी थी मेजर राजेश अधिकारी भी इसमें शहीद हो चुके थे ऐसे में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने खुद मोर्चा संभालने का निर्णय लिया उनके साथ कर्नल विश्वनाथन ने भी जाने की ठान ली लेकिन कर्नल विश्वनाथन युद्ध के दौरान पूरी तरह से घायल हो गए और उनका शरीर एकांत पर रह गया आसमान से सफेद ऑफर के रूप में बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर सीना चीर देने वाली गोलियों की बौछारें हो रही थी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के अनुसार जैसे तैसे कर्नल विश्वनाथन के घायल शरीर को एक पत्थर के नीचे लाया गया उन्होंने कर्नल के हाथ पैरों को खूब सहलाया और उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कर्नल विश्वनाथन का सिर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की गोद में था और देखते ही देखते कर्नल इस दुनिया को छोड़कर शहादत का जाम पी गए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे कैसे हम कर्नल विश्वनाथन को पीछे लाए एक पत्थर के नीचे लाए ना आग जला सकते थे ना रोशनी कर सकते थे और मैं उनके पैर सहलाता रहा हाथ सहलाता रहा और उनको कहता रहा कि विश्वनाथ कोई बात नहीं आप ठीक हो जाएंगे लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जैसे जैसे मैं उनको सहलाता गया और धीरे धीरे उन्होंने मेरे गोद में ही दम तोड़ दिया वहीं इससे पहले इसी कमान के मेजर राजेश अधिकारी भी शहादत का जाम पी चुके थे मेजर राजेश अधिकारी की एक वर्ष पहले ही शादी हुई थी शाम के समय युद्ध स्तर के पास मेजर राजेश अधिकारी के घर से आया हुआ खत पहुंचा, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी ने खत पढ़ने से यह कहकर मना कर दिया कि पहले दुश्मनों को निपटाता हूं और खत सुबह पढ़ लूंगा रात भर युद्ध में डटे रहने के बाद तोरोलिंग पर मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम ने कब्जा तो जमा लिया लेकिन खत पढ़ने के लिए वह जीवित न रह सके ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर बताते हैं कि जब मेजर राजेश अधिकारी के शव को उनके घर भेजा गया तो उसके साथ वह खत भी वैसे ही भेज दिया गया जैसे आया था जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो नीचे से रेयर से एक चिट्ठी आई थी जो ऊपर आई थी वो उनको दे दी गई थी
लेकिन उसी रात को उनको हमले पर जाना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा मैं इसको, सुबह पढ़ूंगा हमले के बाद। और रात को उन्होंने हमला किया तोलोन के ऊपर, मोर्चे को कब्जे में किया, लेकिन भाग्य की विडंबना थी, उनको गोली लगी और वो हमारे बीच में नहीं रहे। और विडंबना देखिए कि इसी पत्थर को जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव गढ़वाल भेजा गया तो ये पत्थर भी उन्हीं के साथ जो है वापस बिना पढ़े चला गया। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने जिस 18 ग्रेनेडियर पर नेतृत्व किया उसमें 900 जवान थे। इनकी कमान के 34 जवान शहीद हुए और सबसे ज्यादा 52 वीरता पुरस्कार भी इनकी कमान को ही मिले थे। इसमें एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र और 18 सेना मेडल सहित अन्य सैन्य सम्मान भी शामिल थे। खुद ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए सिलसिलेवार घटनाओं में से प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए गुड़िया रेप और हत्या मामले में सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन इस मामले में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, उसी को लेकर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य देशराज शर्मा ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि गुड़िया के अपराधी अभी भी सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। देशराज शर्मा ने गुड़िया प्रकरण के असली अपराधियों को जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग की है, इसलिए किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्यों ने मंडी में धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में कुछ समय पूर्व हुए फॉरेस्ट गार्ड कुल्लू के भुंतर में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या, पंडोह के ग्रहण में 2 सपाठियों की मौत मामले और हाल ही में मंडी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के द्वारा खुदकुशी करने के मामले की भी सीबीआई से जांच करवाने की मांग उठाई है। देशराज शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश और केंद्र सरकार इन मामलों में संज्ञान नहीं लेती है तो वे आने वाले समय में हाईकोर्ट का सहारा लेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तमाम राजनीतिक दल इसमें राजनीति करने पर उतारू हैं, लेकिन जो इसमें असली जो गुनहगार हैं उनके बजाय जो है वो हर किसी के ऊपर जो हाथ डाला जा रहा है, इसमें असली गुनहगार को पकड़ कर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस तरह से इस कोटखाई के मामले में सीबीआई जांच हो रही है, इसी के साथ साथ हम मांग कर रहे हैं कि भुंतर में जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो 8 वर्षीय छात्रा के साथ 29 अप्रैल को जो दुष्कर्म और उसके बाद उसका विभत्स हत्याकांड हुआ उस मामले में, और जो होशियार सिंह का जो मामला है वन रक्षक का उस मामले में, और जिस तरह से पंडोह में 1+1 की छात्र और छात्रा के स्निग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, और जिस तरह से सकरोहा में मंडी कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ को फांसी लगाने के लिए सिस्टम और समाज को लानत भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा वहां के गुंडों की, उन प्रताड़ना से तंग आकर के इसके हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है हम आंदोलन को तीव्र करके इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे और मामलों की सीबीआई जांच करवाएंगे। इसके साथ ही किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्यों ने किसानों के कर्ज माफ करने और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की कुर्की करने के लिए निर्धारित तारीख जो कि 28 जुलाई तय की गई है उसे भी किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए बदलने का आग्रह सरकार से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। अनुराग ने सीएम को लिखा पत्र, जाहिर की मन की बात, बोले कानून व्यवस्था से उठता जा रहा है जनता का भरोसा। आयकर विभाग के अधिकारियों से होगी अब लाइव चैटिंग, सुंदरनगर में आयोजित स्थापना दिवस पर विभाग ने जागरूक किए करदाता। कारगिल युद्ध की कहानी, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की जुबानी, कहा जवानों ने कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साथ कर दिया था परिचय। और 2 वर्ष बीत गए नहीं बन सकी शहीद स्मारक की डीपीआर, शहीद स्मारक के चक्कर में कारगिल पार्क हो गया बदहाल।